हेलो, मेरा नाम राम प्रकाश है और आपकी तरह मैं भी कुमार हूँ। 1952 में पैदा हुआ था और 1974 में मैं बाबा के पास आया था, तो मेरे को ज्ञान में अभी 48 ईयर्स हो गए हैं। तो दिल होता है आपके सामने अपने अनुभव शेयर करूं। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तो जैसे कि सभी का हॉस्टल में रहते हुए बिगड़ जाते हैं, हम भी बिगड़े हुए थे। और हुआ ये कि बहनें हमारे घर में आईं, उन्होंने हमको थोड़ा ज्ञान सुनाना शुरू किया। तो एक चीज वो कहते थे, ये जो ज्ञान है ये मनुष्य से देवता बनने का है। तो मेरे को बड़ी हंसी आई, मैं क्या ये देवता बनने की बात करते हैं, थोड़े सुधर जाए यही कम है क्या? तो हुआ क्या कि एक हफ्ते के बीच में ही सब कुछ मेरा बदल गया। मना ड्रिंक करना, स्मोक करना, मैं नॉन वेज था, वेजिटेरियन बन गया, प्याज लहसुन खत्म कर दिया। तो मेरे को लगा कि अगर मैं एक हफ्ते में इतना बदल सकता हूँ, तो माना जैसे नहीं, इतना अगर मैं बदला हूं तो इतना भी बदल सकता हूँ, इतना भी बदल सकता हूँ, इतना भी बदल सकता हूँ। क्योंकि मॉडल है ना, मॉडल कोई चीज तैयार होती है फिर प्रोटोटाइप बनता है। तो ऐसे लगा क्या ये सचमुच में पॉसिबल है देवता बनना? पर क्या हुआ कि ज्ञान लेते लेते हमको जब ये समझ मिली ना कि मैं आत्मा हूं, ये शरीर है, तो एकदम जैसे सब कुछ खुल गया। कहते हैं जैसे शरीर के माता पिता का डीएनए मेरे में है, तो आत्मा का माता पिता परमात्मा है, तो इसका मतलब परमात्मा का डीएनए मेरे में है। तो जब ये ख्याल में आया तो तब हर चीज जैसे लगने लगी कि पॉसिबल है। जैसे हम कहते हैं जो माँ बाप में होता है बच्चे भी वही करते हैं, तो अगर मैं भी जो भगवान करता है मैं करने लग जाऊं तो मैं अपने आप को बच्चा कहला सकता हूँ। या तो माना डीएनए का मतलब क्या है, भगवान सबको देने वाला है, तो मेरा भी जो लक्ष्य वो देने वाला बन गया कि मैं कैसे लोगों को सुख दूं, कैसे लोगों को खुश करूं, कैसे मैं लोगों की मदद करूं जैसे भगवान मदद करता है। तो अचानक ही मेरे को लगने लगा कोई चीज देवता बनना डूएबल है, माना पॉसिबल है। क्योंकि आप देखेंगे कोई भी चीज के लिए पुरुषार्थ तब तक नहीं शुरू होता है जब तक आपको लगता नहीं है कि ये मैं कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगा। लेकिन एक बार जब अंदर में आ गया मे बी आई कैन डू इट, तो फिर आप ना करना शुरू कर देते हो। तो मैंने क्या सोचा कि देवता बनना, इसको सिंप्लीफाई कैसे करें। मैं इंजीनियर हूं बाय प्रोफेशन, तो इंजीनियरिंग में दो चीजें ज्यादा बताते हैं। एक है कोई भी चीज है ना उसको कंप्रीहेंसिव हो जाए, माना जो समझ आ जाए कॉमन आदमी को। इंजीनियरिंग में वैसे बड़ी कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग्स होती हैं, ये सब कुछ होता है, लेकिन उसको सिंप्लीफाई करके कहते हैं। अच्छा, अभी 15 बाई 15 बाई 20 का कमरा क्या होता है, कितना बड़ा होता है? तो एंड यूजर को पता नहीं होगा, लेकिन आप उसको कमरे में जाके दिखा देते हो ना ये इतना बड़ा है। तो क्या होता है कि उनको समझ आ जाता है। ऐसे ही दूसरी चीज होती है इंजीनियरिंग में, एप्लीकेशन। तो तब भी लगा हम ज्ञान और योग जो सीखते हैं, तो ज्ञान का मतलब है समझ, योग का मतलब है कि हमारे पास ना साइंस कहो या उसकी समझ कहो या रिसोर्सेस कहो, जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी। साइंस है समझ, और हमको एक फार्मूला क्या है इसकी, किस प्रकार से वो फंक्शन करता है। टेक्नोलॉजी है, आप उसको यूटिलाइज करते हो। तो हमको भी यही लगता था कि ज्ञान से हमको समझ मिली, योग से हमको मालूम पड़ा प्यार खुशी आनंद हमको जो मिलता है, शांति मिलती है। तो कर्म जब हम करते हैं तो वो अप्लाई करना होगा, एप्लीकेशन हो गई ज्ञान और योग की। तो जो हम कर्म करते हैं उसमें अपना प्यार खुशी आनंद डालते हैं और साथ में समझ से करते हैं, धैर्यता से करते हैं, तो उस कर्म की वैल्यू बढ़ जाती है। तो तब लगने लगा कि देवता माना जिनमें दिव्य दिव्य गुण है, और दिव्य गुण आते कब, जब हम अपने श्रेष्ठ काम करते हैं। तो तब लगा कि जैसे आज भी बाबा ने मुरली में कहा ना कि
एक है प्यार, एक है खुशी, एक है हम जो भगवान की क्वालिटी कहते हैं सत्यता, लेकिन सत्यता के साथ मधुरता। ये नहीं है कि सत्य के साथ कड़वाहट, क्योंकि आज कितनी बार लोग सच बोलने वाले लोगों से लोग डरते हैं, कहते पता नहीं ये कब बक देगा। कभी ये नहीं समझ आती है कि वो गुस्से में बोल रहा है, कभी इम्पेशेंट हो जाते हैं। कई बार तो लोग सच झूठ मतलब के प्रूव करने के लिए तो छोड़ो, लेकिन सत्य कई बार बदला लेने के लिए भी लोग यूज करते हैं। ऐसे समय पर बोलेंगे जब सबको हर्ट होता है, तो वो सत्य हर्ट करने वाला बन जाता है। लेकिन दूसरी तरफ देखें, किसी ने गलत कुछ कहा, मैंने कुछ गलत काम किया, आपको बताना है, लेकिन आप उसको उसी समय नहीं बोलेंगे, आप उसको ट्रस्ट में लेंगे, उनसे आप ना अंदर में प्यार करना नहीं छोड़ेंगे। फिर जो तैयार होंगे ना वो, तो जब वो तैयार होते हैं ना, उस समय नपे तले शब्दों में प्यार से कहेंगे भी देखो हमने इस तरह की बात देखी थी, आपको ठीक लगे तो आप इसके बारे में विचार करना। तो क्या होगा, आपने उसको स्पेस भी दिया, आपने उसको ट्रस्ट में लिया, आपने ह्यूमिलिटी से बात की, और अगर उसने रिजेक्ट भी कर दिया, आपको पता है कि आपने अपना काम कर दिया, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी होगी, जब टाइम आएगा तो वो समझ लेंगे। तो उसमें क्या हो गया, आपने सत्यता में सभ्यता भी डाल दी, माना आपने प्यार खुशी सब डाला, ह्यूमिलिटी डाली, फेथ डाला, तो वो जो गुण है ना, वो हमारा कौन सा बन गया, दिव्य गुण बन गया, प्योर ट्रूथ बन गया। तो देखो इसका मतलब, हम मनुष्य से देवता, जब हमारे में दिव्यता दिव्य गुण बन जाता है तो हम देवता बन सकते हैं। तो एकदम लगा ये पॉसिबल है, तो मेरे को बस एक तो अच्छे कर्म करो, और एक मैंने नोट क्या किया, मेरे को थोड़ा फील हुआ था कि इंजीनियरिंग मेरे कार्य में बाधा बन रही है, क्योंकि थोड़ा सा एरोगेंस होता है ना, नशा होता है। तो मैंने अपने आप को क्या किया, अपने जान बुझ कर मैंने कहा कि मेरे को ये भूलना है मैं इंजीनियर हूँ, तो मैं छोटे छोटे काम करने लगा। जैसे कहा ना कि जो कर्म है वो है एप्लीकेशन, तो मेरे को था, मैं जब सबसे छोटा काम होता बर्तन साफ करने का, तो मैं जाकर बर्तन साफ करने लगा, लेकिन मेरे को लगा मैं प्रकृति से खेल रहा हूँ, पानी से खेल रहा हूँ, और जब बर्तन धो रहा हूँ तो लगता बर्तनों की मालिश हो रही है, और जब बर्तन धुल के चमक उठते मेरे को लगता बर्तन बड़े खुश होकर मेरे को थैंक यू बोल रहे हैं। देखो है सारी चीज इमेजिनेशन, लेकिन मेरे को बड़ा मजा आता था, और क्या था, मेरे को दुआएं भी मिलती थी। तब मेरे को महसूस हुआ कि दुआएं सिर्फ बड़ों से ही नहीं मिलती है, छोटों से भी मिलती हैं, अगर हम उनका कोई कार्य हल्का कर देते हैं, वो थके हुए हैं, हम उनके मददगार बन जाते हैं। तो वही असूल मैंने अपने जीवन में धारण कर लिया, और मैं 1977 में अमेरिका आया, और 1.5 साल के बाद अपने मोहिनी दीदी हैं तो उनके पास मैं आया था, तो तब से मैं उनके साथ रहता हूँ। तो हमने भी उनके प्रैक्टिकल में देखा कि वो भी कोई भी कोई काम करते थे, खासकर कुमारों से उनको बहुत बहुत स्नेह होता था, क्योंकि कुमार बहुत थोड़े होते हैं, कई बार तो हंसी से भी कह देते हैं कुमार दे आर एंडेंजर्ड स्पीसीज, माना वल्नरेबल होते हैं, लेकिन उनमें उमंग सा भी बहुत होता है, उनमें बहुत प्यार लेने की ना लालसा होती है, तो वो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। तो हम भी लगे रहते थे, पर हमने देखा जब भी मैं काम में लगता था मोहिनी बहन भी साथ लग जाते थे। हम कुमार लोग कई बार कहते थे हम इकट्ठे होकर ये काम करेंगे, रिपेयर करेंगे, क्योंकि अमेरिका में तो हम पैसा नहीं देते हैं बाहर वालों को, तो सारा काम हम खुद करते थे। तो वो हमको खाना बना के खिलाते थे, हमको सर्व करते थे, फिर हमारे साथ बैठते थे। तो तब मेरे को लगने लगा ये जो हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं ना, खुशी खुशी करते हैं, प्यार से करते हैं, तो बड़ों की दुआएं, छोटों की दुआएं, उसके कारण से आपको थकावट भी नहीं होती है, और आपके जीवन में ना बड़ा जैसे ना सुखमय जीवन बन जाता है। क्योंकि जब आप हड्डी और दिल से काम करते हो ना, उससे शरीर में ताकत मिलती है। तो मेरे को पूरे जीवन में ऐसा ही लक्ष्य था कि कुछ ना कुछ बड़ा करना है।
तो मैंने देखा कि मेरे प्रोफेशन में भी मेरे को फायदा होना शुरू हो गया। क्योंकि देखो, अगर आप कोई चीज प्यार से करते हो और खुशी से करते हो, प्यार और खुशी से शरीर में ताकत पैदा होती है। आपका जो थॉट नेगेटिव नहीं होते हैं तो आपका जो ब्रेन है वो भी मना तैयार रहता है। उसमें क्या है, आप क्योंकि आप नेगेटिव थिंकिंग नहीं करते हैं, आपका सोचने करने का रेजोल्यूशन, आपके जो रिजल्ट है एफिशिएंसी बढ़ जाती है, तो आपके प्रोफेशन में भी बहुत उन्नति होती है। आपको पता भी नहीं चलता कैसे आप ग्रो हो रहे हैं। ताकत भी बनी रहती है, हिम्मत भी बनी रहती है, एंथुसियाज्म भी बढ़ता है जब आप हड्डी सेवा करते हो। तो आज तक भी मैं देखो 48 इयर्स हो गए हैं, मैं खाना बनाता हूँ वहां पर अमेरिका में, 50 का खाना 1.5-2 घंटे में बना देता हूँ। ब्रेड बनाना, पिज्जा बनाना, रोल्स बनाने, खिचड़ी बनाना, खीर सब कुछ मेरे को करना आता है। तो मेरे को ना कुमारों के लिए यही है, कभी सोचो नहीं कि ये काम मेरे मतलब का कि नहीं मतलब का है। क्योंकि मैंने देखा, अगर ऊंचा कोई काम करता है ना, लोगों को बड़ी जेलसी होती है। तो मैंने एक चीज अपने में पक्का किया, आई डोंट वांट टू बिकम विक्टिम ऑफ जेलसी। तो मेरे को क्या था, छोटे से छोटा काम जो कोई ना करना चाहे ना, मैं वो करूं। उससे क्या होगा, मेरे से कौन जेलसी करेगा। कहते ना, अगर मैं हाई पोजीशन में हूँ तो लोग मेरे से जेलसी करेंगे, कहेंगे आप ऊंची पोजीशन पे क्यों है, मेरे को आना चाहिए। लेकिन अगर आप झाड़ू लगा रहे हैं, कोई आपसे जेलसी करेगा, अगर करेगा ना, उसको भी एक झाड़ू ला के दे दो भी, आप भी लग जाओ, नो प्रॉब्लम। तो मैंने फिर नोट क्या किया, जब हम छोटे छोटे काम करते हैं ना, उसमें ना तो कुछ हमको दिमाग लगता है। तो आप छोटे छोटे काम करते बड़े बड़े कामों की प्लानिंग कर सकते हो। तो मेरा उसी हिसाब से हमने बहुत ब्राह्मण जीवन में उन्नति की है, हमने अमेरिका में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के हमने मतलब कि किए हैं वर्ल्ड फेम के। जैसे वो जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था, ट्विन टावर मैं काम करता था ना, तो मैंने वहाँ का मेंटेनेंस प्रोग्राम का सारा पूरा डेवलप किया था कि बिल्डिंग्स को मेंटेन कैसे करना है, उसको कंटिन्यूसली पीरियोडिकली इंस्पेक्ट करना, और फिर जो भी डेफिशिएंसी डेवलप होती है उसको रेक्टिफाई करना। तो वो सारा प्रोग्राम किया था, मैं टीम लीडर था। तो देखो, इतना बड़ा हमने कार्य भी किया, लेकिन मैं छोटे छोटे कार्य भी हमेशा करता रहता था। माना जितने आप छोटे काम देखो, हम नहीं देखते हैं कभी, आपने नोट किया, जब कोई चीज ना ऐसे आप नीचे जाते हैं, ये ऊपर हो जाता है अपने आप ही, है ना। कभी प्रिंटर में देखा है कि आपको पेपर इतना बड़ा चाहिए, इतना चाहिए था, एक तरफ का ही आप ऐसे करते, दूसरा अपने आप हो जाता है। तो मेरे को लगा छोटे छोटे काम करने से आपके बड़े बड़े काम करने भी सफल हो जाते हैं। तो अभी मैं आपको अपना वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का अनुभव सुनाता हूँ। आपने सुना है ना, ट्विन टावर थे और उसमें प्लेन टकराया, तो जो पहला प्लेन टकराया वो हमारे ही टावर को टकराया था। मैं 64वीं मंजिल पर काम करता था एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर। तो लगा भूचाल आया है, बिल्डिंग इधर गई इधर गई इधर गई, लेकिन फिर खड़ी हो गई। तो लगा कोई छोटा मोटा कोई प्रॉब्लम आया होगा, मतलब कोई प्लेन छोटा मोटा टकराया होगा। तो हमने नीचे उतरना शुरू किया, इतने में दूसरा प्लेन आकर दूसरी बिल्डिंग पर टकराया। फिर हमको लगने लगा ये तो टेररिस्ट अटैक है। तो ऐसे फिर हम धीरे उतर रहे हैं, फिर थोड़े समय में दूसरा टावर गिरना शुरू हो गया। तो हमारा टावर उस समय बहुत बुरी तरह से शेक हो रहा था। और फिर क्या हुआ, वो डिब्रीज के कारण, मलबे के कारण हमारी स्टेयर्स ब्लॉक हो गई। तो फिर हम दूसरी स्टेज में गए, वहाँ और भी ट्रैफिक बढ़ गया। और फिर क्या हुआ, थोड़े समय के बाद बहुत तेजी से पानी आने लगा, क्योंकि पाइपलाइन वो टूट गई वहाँ की। और इतना तेजी से पानी आ रहा था कि अगर हैंडरेल को नहीं पकड़े तो हम बह जाएंगे। तो थोड़े समय के बाद क्या हुआ, हमारी वो सीढ़ी नीचे से टूट गई। तो हमको तीसरी जो लास्ट वाली सीढ़ी में जाने के लिए एकदम अंधेरे कॉरिडोर में से गुजरना पड़ा। पानी हमारे ऊपर से गिर रहा है, पानी हमारे एंकल हाई हो रहा है, दीवार का सहारा लेकर एकदम अंधेरे में निकल रहे थे। तो और कभी कभार जो फ्लैश लाइट होती है ना, वो चलती तो दिखाई पड़ता, सारी बिजली की तारें हमारे सर के ऊपर। तो हम अपने आप को नीचे अपना झुकाते हुए
दीवार का सहारा लेकर बाहर निकले, और हमारे निकलने के सिर्फ 4-5 मिनट के बाद ही हमको फील हुआ जमीन हिल रही है। पीछे मुड़ के देखा, हमारा टावर ही गिरना शुरू हो गया था। तो हम एकदम वहां से भाग के, हम इतना नजदीक थे कि टावर हमारी तरफ गिरा होता तो हम उसके नीचे आ जाते, लेकिन हम भाग के निकले, लेकिन टावर सीधा ऐसे ही आया था। वो तो आपने टीवी में देखा होगा। तो मेरे साथ कई लोग थे, वो जाना नहीं चाहते छोड़ कर मेरे को। तो हमारा वहाँ पर सेंटर है 5th Avenue पर मैनहट्टन में, तो वहाँ मैं उनको ले गया, उनको खाना बना खिलाया। और दादी जानकी का कॉल आया, 20 मिनट तक मेरे से बात करते रहे। फिर मैंने तभी अपना अनुभव लिख के भेजा उनको, वो कहते अभी लिख के भेजो, तो मैंने अनुभव लिखा। लेकिन अगले दिन मेरे को न्यूज़पेपर टेलीविजन वाले बहुत पूछ रहे थे कि आप कोई शेयर करो अपने अनुभव। तो बहुत से अनुभव थे, लेकिन एक पर्टिकुलर अनुभव मेरा था। वो पूछते थे कि आप 5 मिनट बचे, माना 95 मिनट हम स्टेयर्स के बीच में थे, 5 मिनट टावर के गिरने से हम बाहर निकले, तो आपको लगा होगा ना अभी आप बच के नहीं जा पाएंगे, तो अपना वो अनुभव शेयर करो, नियर डेथ एक्सपीरियंस को हो या जो भय होता है। तो मैंने देखा वो 95 मिनट्स में मेरे को एक भी सेकंड डर नहीं लगा। तो लगा क्या कारण होगा, एक ही मेरे को ख्याल में आया कि क्या कारण हो सकता है, तो हम साधारण लोग तो क्या कारण होगा। वो यही लगा, क्योंकि मैं लोगों की मदद करने लग गया। तो लोगों की मदद भी क्या, बाकी लोग जल्दी जल्दी भाग रहे हैं, लेकिन मेरे को होता था कि हम ज्ञान में हैं और अंदर में होता था हम दूसरों की मदद करें। तो मैं धीरे धीरे उतरता, लोगों से बातचीत करता हुआ आ रहा था। लेकिन देखो थोड़े समय के बाद ना, जब आदमी घबरा जाते हैं ना, हॉरर मूवीज देखी हैं, थोड़ी सी भी आवाज होती है तो आदमी कांप जाता है कि नहीं। तो जब वहां पे बहुत सी बहनें काम करती थी ना, लेडीज काम करती है, तो वो मेरे पीछे हैं, तो आवाज आती थी थोड़ी सी भी तो वो एकदम कांप के उनकी ना चीख निकल जाती। तो मैं क्या करता, उनको कहता था मेरे आगे आ जाओ, मैं खुद पीछे हट जाता तो उनको अपने आगे ले आता था। अभी देखो कोई बड़ी बात तो नहीं है, 2 कदम पीछे जाना, पर वो इतने मेरे से खुश होते थे, यहाँ तक कि उन्होंने कहा राम यू आर अवर एंजल। तो मेरे को बड़ी हंसी आई, मैं क्या यहाँ एंजल बनने के लिए इतनी मेहनत करते हैं और यहाँ 2 कदम पीछे जाओ और एंजल बन जाए, दिस इज वेरी गुड डील। पर मैंने बाद में सोचना उसके बारे में सोचा उसके बारे में, मैंने कहा इसका मतलब क्या हुआ एंजल, क्योंकि उन्होंने कहा मेरे को। तब मेरे को ख्याल आया कि एंजल्स होते हैं वो समय पर हाजिर हो जाते हैं जहां मुसीबत होती है, तो मैं भी वो कर सकता हूँ, जहां भी जरूरत है मैं अपने आप को हाजिर कर सकता हूँ। और एंजल्स सेल्फलेस काम करेंगे, गुप्त रूप में करेंगे, इससे पहले कि किसी को मालूम पड़े वो एकदम गायब हो जाते हैं, है कि नहीं। पर ये सब चीजें हम कर सकते हैं, क्योंकि एंजल कभी किसे गिफ्ट नहीं लेते, माना रिटर्न में कुछ नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो गिफ्ट लेना शुरू कर देंगे तो भारी हो जाएंगे, तो वो उड़ेंगे कैसे, तो इसलिए वो खाली हाथ रहते हैं। तो देखो मेरे को लगा ये तो प्रैक्टिकली हम एंजल बन सकते हैं। तो तब लगा कि हम कई बार ना बात करते हैं ना एंजल्स की, हम बड़े बड़े एंजल्स की बात करते हैं नामी ग्रामी, तो हम लगता नहीं नहीं हम तो ऐसे ही हैं। लेकिन तब मेरे को लगा अगर मैं ऑर्डिनरी आदमी हूँ तो मैं ऑर्डिनरी एंजल बन सकता हूँ, या मैं कहूँ कि वो बड़े एंजल है मैं माइक्रो एंजल बन जाऊँ ना, टाइनी 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 एंजल। तो एंजल माना जहां भी जाऊं सोल्यूशन बन जाऊं, जहां लोगों को मुसीबत हो वहां पहुंच जाऊं, तो मैं चलता फिरता आई कैन बिकम ए मोबाइल एंजल, एजाइल एंजल। तो वो मेरे को एकदम पॉसिबल लगने लगा। तो इसी तरह से ना मेरे को अंदर में आता था कि अभी मैं बचकर आया हूं। जैसे कई बार गिल्ट होता है कि मेरे हमारे ऑफिस के 10 लोग मारे गए, क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया कि मैं हम बाद में जाएंगे, तो फिर जब तक उन्होंने निकलना शुरू किया टू लेट हो गया। तो तब मैं सोचता हूँ तो क्या जस्टिफिकेशन है मेरे बचने की कि वो मारे गए मेरे दोस्त और मैं बच गया। तो अचानक मेरे को ख्याल आया अगर मैं भी समझ लूँ कि मेरी भी लाइफ ओवर हो गई है, अभी मेरे को ये नया जन्म मिला है ना, तो अगर मैं दुनिया की सेवा में लगा दूँ ना, ये जिंदगी मेरे लिए अपने मिल गई है,
मैं सारी दुनिया की सेवा के लिए लगा दूं तो भगवान भी जस्टिफाई कर सकेगा कि ये इसलिए बचा था क्योंकि इसको लोगों की सेवा करनी थी। तो देखो इस तरह का बुद्धि में बहुत चलता रहता था कोई बड़ा काम करना है। तो मेरे को जैसे कहते थे ना कि स्वर्ग की स्थापना पहले हमको लगता था भगवान करेगा, फिर लगा भगवान तो निराकार है, उसके पास तो शरीर नहीं है। हमारे पास दोनों है, शरीर है आत्मा है। शरीर बना हुआ है पांच तत्वों का, प्रकृति का, परमात्मा के साथ तो वो नहीं है, और आत्मा परमात्मा को रिप्रेजेंट करती है। तो मेरे में दोनों हैं, तो मेरे कर्मों से परमात्मा की जो प्यार खुशी शक्तियां वो प्रकृति में जाती है मेरे कर्मों के थ्रू। तो तब मेरे को लगने लगा कि ऐसा कुछ बड़ा कुछ होना चाहिए हमारे कर्मों के हिसाब से। तो एक बार ये 2008 के एंड में एक कवर स्टोरी आई थी टाइम मैगजीन में, हैप्पीनेस इज कंटेजियस। तो उन्होंने क्या देखा कि जब एक जना खुश होता है उसको देख के चार पांच खुश हो जाते हैं, चार पांच को खुश देख के 15-20 खुश हो जाते हैं, तो वो खुशी बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है। तो तभी ख्याल आया कि खुशी मिलती क्या कब है हमको, जब हम कोई ना कोई अच्छा काम करते हैं। वो डोमिनो इफेक्ट की भी बात करते थे कि जैसे ना पूल टेबल होता है ना, उसमें सारी बॉल्स ना वो सैड बॉल्स हैं, तो एक बॉल जो हैप्पी बॉल है उसने एक बॉल को हिट किया, वो सारी को हिट करते तो सारी के सारी हैप्पी बॉल्स बन जाती। तो मेरे को लगा ये पॉसिबिलिटी लगती है कि हम भी हैप्पीनेस को एक जैसे, क्योंकि ऐसा महसूस मेरे को हुआ कि देखो एक टेररिस्ट है, एक बम ब्लास्ट से सारी दुनिया को हिला देता है, तो क्या हम हैप्पीनेस का बम भी फोड़ सकते हैं। तो तब मेरे को आने लगा भी जैसे हम अच्छे कर्म करने वाले लोग हैं उससे हमको खुशी मिलती है, अगर हम इस तरह अच्छे कर्म करने का एक बीड़ा ले ले, एक अभियान चलाएं, तो उससे क्या होगा कि हमको एकदम हमारे में एक्सप्लोजन खुशी का और प्यार का हो सकता है। क्योंकि जैसे एटम बम होता है, एटम बम में क्या होता है, एटम एक दूसरे से टकराते हैं फिर वो स्प्लिट होते हैं, लेकिन छोटा सा पोर्शन ना वो एक्स्ट्रा होता है तो वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर एनर्जी में बदल जाता है, उसका कन्वर्शन फैक्टर होता है E=mc², माना इतना सा छोटा सा कणा इतना वो हो जाता है। तभी लगने लगा हमको भी अच्छे कर्म करने का ना एक्सप्लोजन करने का है, एक्सप्लोजन ऑफ गुडनेस एंड हैप्पीनेस। और वो कैसे होगा, जो मेरी ड्यूटी है ओब्लिगेशन है उससे मैं एक्स्ट्रा काम करूं, तो जितना हम एक्स्ट्रा करेंगे ना, समझो मेरी 1,00,000 की इनकम है, मैं 110,000 का काम करूं तो वो 10,000 है ना मेरे एक्ट ऑफ गुडनेस हो गया, बट दैट बिकम द एटमॉस्फेयर। जैसे कहते हैं ना हम अपने ऑफिस में भी अपना वो एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं गुडनेस एंड हैप्पीनेस का, और वो जो एक्स्ट्रा आपका है ना मल्टीप्लाइज, तो उसके हिसाब से हम देवता भी बन सकते हैं, उसी के हिसाब से वो हमारा जो डोमिनो इफेक्ट है ना वो भी करते करते वी कैन क्रिएट एन एटमोसफियर ऑफ गुडनेस एंड हैप्पीनेस, एंड इट कैन बिकम सुनामी ऑफ गुडनेस, इट कैन बिकम वोल्केनिक इरप्शन ऑफ गुडनेस, एंड इट कैन बिकम द एक्सप्लोजन ऑफ गुडनेस एंड हैप्पीनेस। तो मेरे को तो कुमारों के लिए क्या होता है कि आप अगर आप सिर्फ जितनी ड्यूटी है उतना काम करेंगे ना, इट इज ओनली अ मेंटेनेंस। कहते ना आई हैव टू डू सो मच टू मेंटेन माई जॉब, आई हैव टू डू सो मच टू मेंटेन माई रिलेशनशिप, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। बट वट यू डू अबव एंड बियॉन्ड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो जो एक्स्ट्रा करते हो ना, That converts into E=mc². तो स्वर्ग हमको अगर लाना है ना, तो एक्स्ट्रा एक ना एक बार जैसे आता है ना एक्स्ट्रा फैक्टर, एक्स फैक्टर बोलते हैं ना, मेरे में एक्स्ट्रा है, तो वो एक्स्ट्रा क्या है, देन यू कैन बी अबव नॉर्मल। तो उसके हिसाब से हम स्वर्ग की स्थापना भी कर सकते हैं। गॉड इज द इंजीनियर द आर्किटेक्ट, ही हैज गिवन अस द विजन, बट वी आर द कॉन्ट्रैक्टर। हमारे पास रिसोर्स है, हमारे पास, क्योंकि स्वर्ग में तो हमको जाना है ना, तो वी हैव टू बिल्ड हेवन। तो मेरा अभी जो मिशन है ना, तो हमने बनाया ना 7 बिलियन एक्ट्स ऑफ गुडनेस, वो यही लगता है कि इफ वी कैन कलेक्टिवली परफॉर्म 7 बिलियन एक्ट्स ऑफ गुडनेस,
देन देयर कुड बी एक्सप्लोजन ऑफ गुडनेस एंड हैप्पीनेस. उसके वो हमने प्रोग्राम ये शुरू किया 2012 में, 2014 में इंडिया में लॉन्च किया. अभी तकरीबन 25,000 हमने ये टोटल प्रोग्राम किए हैं. मैंने खुद ने ही 2500 के करीब प्रोग्राम 700 सिटीज में जाके, आई हैव गोन टू ओवर 20 कंट्रीज. तो इतना मेरे को कुमारों से ना यही एक कहना है, डू समथिंग अबव एंड बियॉन्ड योर ड्यूटी और ऑब्लिगेशन एंड दैट इज योर एक्ट ऑफ गुडनेस. आप वो करेंगे, आप सारी दुनिया में तहलका, लेकिन गलत वाला नहीं, खुशी का तहलका मचा सकते हैं, प्यार का. तो यूथ के लिए ना मेरे को अंदर में बहुत बड़ी आशा है. मैं भी 70 इयर्स का हूं, लेकिन अभी भी मेरे को लगता है मैं 21 वर्ष का था जब आया था बाबा के पास. अभी तक भी वही लगता है, चाहे बाल चले गए हैं, चाहे चेहरा कुछ ऐसा हो गया है, लेकिन वो एनर्जी जो है ना कुमारों की अभी भी बनी हुई है. तो मेरे को तो सबके लिए यही आता है, अगर आपको जिंदगी जीना है ना, लाइफ एग्जिस्ट ओनली वेयर योर लिमिट इज एंड व्हाट यू डू अबव द लिमिट, है ना. जब लेकिन फियर होगा उसके लिए, लेकिन फियर और करेज दे बोथ मीट एट द सेम पॉइंट. अनसर्टेनिटी होती है, अनसर्टेनिटी होती है तभी तो हमको फेथ की जरूरत होती है कि बाबा मदद करेगा. अगर आप लिमिट से बाहर ही नहीं जाएंगे तो फिर आपको बाबा को भी मदद करने की क्या जरूरत है, वो तो इतना आप ही कर ही सकते हो. तो मेरे को तो होता है, अगर आपको बाबा की मदद लेनी है, लोगों की आशीर्वाद लेनी है, डू समथिंग अबव एंड बियॉन्ड नॉट ओनली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी बट बियॉन्ड योर लिमिट, बियॉन्ड योर कैपेसिटी. क्योंकि अगर आप बियॉन्ड कैपेसिटी करेंगे ना तभी आपकी कैपेसिटी एक्सपेंड होगी. तो हमको ना अपनी लिमिट को एक्सपेंड करना है. कहते ना थिंकिंग आउट ऑफ बॉक्स, व्हाट इट मींस, आई ब्रेक आउट ऑफ द बॉक्स. बॉक्स होता है एक जेल, माने फ्रेमवर्क है. तो वी कैन नॉट जस्ट लिव विद इन द फ्रेमवर्क, वी हैव टू गो अबव एंड बियॉन्ड. तो मेरे को कुमारों के लिए ना अंदर में कुछ कर गुजरना है. ये सत्य की दुनिया की स्थापना भगवान नहीं करेगा, भगवान हमारे द्वारा करवाएगा. तब इसको करण करावन हार बोलते हैं ना. इसका मतलब ये है, वो हमको विजन देता है, फिर हमको उसने हमको रिसोर्स दिए. देखो हमको भगवान का प्यार मिला, खुशी मिली. आप कभी नोट करना, जब आप खुश होंगे आप एनर्जाइज होंगे. आप कोई प्यार आपके अंदर में प्यार से करते करते आप कितना काम कर लेते हो. तो ये सारी चीजें तो भगवान ने हमको ये रिसोर्स दिए हैं, स्पिरिचुअल रिसोर्स. हम उसको यूज करते हैं ना, दैट इज कॉल्ड स्पिरिचुअल इंजीनियरिंग. देखो हम कॉलेज में पढ़ते थे, पहले पढ़ा फिजिक्स मैथमेटिक्स, हम इंजीनियरिंग कॉलेज में गए, अप्लाइड फिजिक्स पढ़ा, अप्लाइड मैथमेटिक्स है. तो हमको जो बाबा का प्यार और गुण और शक्तियां मिली हैं उनको कर्मों में लगाएंगे तो आप देखेंगे कितना आपके अंदर में आपकी प्रोग्रेस होती है, आपको दुआएं मिलेंगी. मैं सचमुच में कहता हूँ, 48 ईयर्स हो गए, मैं कभी थकता नहीं हूँ, सिर्फ 4 घंटे सोता हूँ, लेकिन ना रात को बड़े प्यार से ना थैंक यू बोलता हूँ अपनी बॉडी को. अपने शरीर से भी प्यार करना सीखो और वो काम करो जो कोई नहीं करेगा. और मैंने क्या देखा कि मेरी वैल्यू वो नहीं जो मैं करता हूँ, लेकिन जो कुछ भी मैं करता हूँ उसमें अपनी वैल्यू डालकर उस कार्य को मैं वैल्यूबल बना सकता हूँ. कई बार लोग कहते हैं कि देखो, मेरे को कई बार लोग बोलते हैं, राम प्रकाश आप भोले भाले हो, लोग आपको यूज कर रहे हैं. तो मैं उनको पता क्या कहता हूँ, अरे मेरे को यूज कर रहे हैं क्योंकि मैं यूजफुल हूँ. अगर मैं कुछ नहीं करूँगा तो मैं यूजलेस हो जाऊँगा. तो मेरे को यूजलेस बनना है कि यूजफुल बनना है, है ना. तो आपको यूज किया जाता है तो माना आपकी वैल्यू है. तो देखो अगर आप उस ढंग से देखेंगे, लोग मेरा एडवांटेज लेते हैं, मेरे पास एडवांटेज है तभी तो ले रहे हैं. मैं यहाँ हूँ, दूसरा यहाँ है, तो एनर्जी ऊपर से नीचे आती है तो लोग मेरे से लेते रहेंगे. बट लॉ ऑफ एनर्जी क्या है, जब यहाँ से एनर्जी गई आपको प्रकृति से, परमात्मा से, सरकमस्टांस से सबसे मिलना शुरू हो जाएगा.
तो ये अपने आप को भरपूर करने का तरीका, लोगों को एडवांटेज लेने दो मेरे से क्योंकि मेरे पास एडवांटेज है, लोगों को यूज करने लगो क्योंकि मैं यूजफुल हूँ। देखो यूजफुल की वैल्यू होती है, यूजलेस को कोई अपने पास बुलाएगा? अभी देखो मेरे को हर जगह लोग बुलाते हैं, कहते हैं आप आएंगे ना, आपको बातें करके सबको बड़ा मजा आएगा, है ना। तो मैं छोटे छोटे काम भी करता रहता हूँ, जैसे मैंने कहा अभी तक भी मैं झाड़ू लगाता हूँ किचन में। तो इस तरह का आप ना डरो नहीं अच्छा बनने से, डरो नहीं छोटा काम करने से, आप दुआओं के हिसाब से, बड़ों की दुआएं, बाबा की दुआएं, प्रकृति की दुआएं, उसके हिसाब से अपने आप को आप आगे बढ़ाते जाएंगे। तो मेरे को ना आपके लिए यही एक मैसेज है, कहते हैं डोंट बी अफ्रेड ऑफ बीइंग ए गुड पर्सन, डोंट बी अफ्रेड ऑफ डूइंग समथिंग अबव एंड बियॉन्ड। और कभी एक दूसरे को ना कॉपी कर नहीं करो कि उसने नहीं किया तो मैं क्यों करूं, है? कभी अपने आप को विक्टिम नहीं समझना, क्योंकि आप अपने आप को इतना आगे रखना कि जिंदगी जीना है तो अपनी कैपेसिटी को बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है। थैंक यू, ओम शांति।